हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मेघा जायसवाल और आज मैं लेकर आई हूँ ट्रेंडिंग, बिल्कुल ही ट्रेंडिंग, बहुत ही ज़्यादा जो फैशन में है, इन है, हर ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ ये वाला हेयर स्टाइल जाता है। बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है ये, जस्ट बन एंड राउंड अप विद द गजरा एंड आर्टिफिशियल गजरा, यू कैन टेक एनीथिंग। बहुत ही प्यारा लगता है, बेहद ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये वाला मेकअप लुक मैंने किया है, ट्रेडिशनल मेकअप लुक। अगर आपको यार लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस में रखे चेकआउट जरूर करना। मैंने ये ले लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने एक सॉक्स लिया है, सॉक्स को नीचे से काट के उसको रोल अप कर लिया था, मैंने अभी आपको शो किया था। सॉक्स को काट के मैंने उसको रोल अप कर लिया था। एक्चुअली इसकी इन्वेंशन ना क्या हुआ था, हम लोग एक फंक्शन में गए थे आउट ऑफ द दिल्ली, तो वहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट मिल ही नहीं रही थी कोई अच्छी, तो हमने कहा कि अब क्या करें। और जो मिल रही थी ना वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी, तो मुझे लगा कि शायद हेयर स्टाइल पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना मतलब बिल्कुल वेस्ट है। तो मैंने वहाँ पे खुद से अपने आप ये हेयर स्टाइल बनाया था और रियली बहुत ही अच्छा निकल के आया था। तो जस्ट आपको बीच में मांग करके एक छोटी मतलब डाउन, जहाँ पे भी आप अपना जूड़ा टिकाना चाहते हो वहाँ पे एक पोनीटेल बना लीजिए इस तरह से। बहुत ही ईजी होता है, बस सिंपल एक पोनीटेल बनाना है और कुछ नहीं करना है। सॉक्स को मैंने काट लिया था, अच्छा सॉक्स था वो, तो मैंने उसको नीचे से काट के उसको रोल अप कर लिया था जिससे कि एक बन बन जाए। इस तरह से मैंने पोनीटेल बना ली है और इस तरह से मैं जो सॉक्स को इस तरह से मैं अपने बालों में डाल रही हूँ, ये एक तरह से बन टाइप का बन गया है। अच्छा, हेयर स्टाइल की वीडियो मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो वीडियो ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, तो उसके लिए देख लेना आप, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने करा क्या है। इस तरह से उस रबड़ के ऊपर चारों तरफ से बाल इस तरह से फैला ले और एक रबड़ मैंने लगा ले ऊपर से। मेरे को ब्लैक रबड़ मिली नहीं थी तो मैंने पिंक लगा ली, वैसे आप कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि ये रबड़ शो नहीं होता है, ये वाला रबड़ जो है शो नहीं करेगा। इस तरह से राउंड अप करके चारों तरफ से इस तरह से आप बालों को फैला लीजिए उस पे बन पे, और इस तरह से रबड़ लगा के और बालों को एक साइड कर लीजिए और दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। उसके बाद दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आप चाहे तो इसको ब्रीड कर सकते हैं, ब्रीड करके उसको लपेट सकते हैं, और चाहे तो वैसे ही लपेट सकते हैं ट्विस्ट करके। तो मैंने यहाँ पे ट्विस्ट करके इसको लपेटा था क्योंकि ब्रीड करने में ना एक्चुअली जब हम खुद से करते हैं ना तो एक तो क्लियर नहीं आता है जिसमें इसमें, ठीक है, ऊपर से इतनी ज़्यादा जल्दी थी मेरे को यार, मेरे को ना जब भी कहीं जाना होता मुझे जल्दी में ही होती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैं लेट ही हो रही होती हूँ। तो इस तरह से मैंने ट्विस्ट करके उसको लपेट लिया है, आधे को इस साइड, आधे आधे बाल किए थे ना हमने, आधे सेट करके यू पिन से मैंने सिक्योर कर लिया है। देख लेना आपको आपको कितने यू पिन लगती हैं, एक लगती है, दो लगती है, मेरे को एक यू पिन में सिक्योर हो गए थे बाल। आधे को जो है उसकी अपोजिट साइड में, जैसे मैंने उस साइड लिया था ना, अब इसको अपोजिट साइड में ट्विस्ट करके इसको लपेटना है। ये आपका जो है ना रबर बैंड कवर हो जाएगा और जो रेस्ट ऑफ जो बाल हैं वो बिल्कुल ही सेट हो जाएंगे और एक हैवी बन बन के आएगा, क्योंकि हैवी बन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। किसी के कम बाल होते हैं, जिसके सर पे अगर कम बाल हैं वो भी इस हेयर स्टाइल को अच्छे से बना सकता है, हैवी बन लगेगा इस तरह से अगर वो बनाता है तो। बहुत ही प्यारा। और उसके बाद ना आप कोई से भी आर्टिफिशियल गजरा ले सकते हो, ओरिजिनल गजरा ले सकते हो। ओरिजिनल गजरा मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस तरह से एक आर्टिफिशियल गजरा ले लिया है। लोकल मार्केट में 30-30 रुपीज़ का मिलता है, मैंने दो लिए हैं क्योंकि दो लगाऊंगी तो थोड़ा हैवी लुक आए। तो वहाँ पे जब मैंने किया था ना वहाँ तो मुझे ओरिजिनल गजरा मिल गया था बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन। तो इस तरह से एक तरफ आप यू पिन से इसको सिक्योर करें और उसको लपेटते चले जाएँ, गोल 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 लिपटा हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ट्रेंडी लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आपने किसी भी ट्रेडिशनल, जैसे आपने लहंगा पहना है, ट्रेडिशनल लहंगा पहना है तो भी आप इसको कर सकते हो हेयर स्टाइल को, आपने साड़ी पहनी है तो भी इस हेयर स्टाइल को बना सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और एक ना अलग सा ट्रेडिशनल लुक आता है। एक को मैंने एक साइड ट्विस्ट लगाया घुमा के और दूसरे को अपोजिट साइड में घुमा के इसको लगा रही हूँ मैं। अच्छा, ये ऐसा है ना, इसको मतलब विद इन 5 मिनट्स बन जाता है ये वाला बन, बहुत ही जल्दी से बन जाता है, तो आप अगर लेट भी हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा जो बन है रेडी है फ्लावर लगा के, तो दिस इज़ द फाइनल लुक। बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऊपर से ही बहुत प्यारा लग रहा है। आप चाहे तो बीच में जो बीच में गड्ढा है ना उसके ऊपर कोई भी एक्सेसरी लगा के उसको डेकोरेट कर सकते हैं, अच्छा और कर सकते हैं, एक छोटी सी एक्सेसरी लगा ली, लेकिन वैसे ज़्यादा अच्छा ऐसे ही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर ये वाला मेकअप लुक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ में जाकर इस मेकअप लुक को ज़रूर ट्राई करना, देखना, वेडिंग सीजन के लिए बेस्ट मेकअप लुक है। और
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल बटन जरूर दबा देना। वीडियो नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड प्लीज़ 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 फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। और अगर आपको मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो थम्स अप, कमेंट एंड बेल बटन। बाय।